ये जो भारत माता की जय के जयकारे आप सुन पा रहे हैं, यह जयकारे समर्पित हैं अमर भारती, भारत माँ की आज़ादी में शहीद देने वाले अमर शहीद बलिदानियों के सम्मान में ये नारे लगाए जा रहे हैं। और आज नजफगढ़ में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा शहीदों के सम्मान में आयोजित की है भाई संजय गिरधर ने। जी हाँ, संजय गिरधर भाऊ एक ऐसा नाम है जो समाज के क्षेत्र में, धर्म कर्म के क्षेत्र में और सामाजिकता में बड़े गर्व और गौरव के साथ लिया जा सकता है। ऐसा ही नाम है संजय गिरधर भाऊ, जिसने आज हजारों बाइकों के साथ और सैकड़ों समर्थकों के साथ नजफगढ़ बाजार से तिरंगा यात्रा निकाली है। भाई विपिन राणा जी भी इस पूरी यात्रा में उनके साथ रहे हैं। तमाम जो आम आदमी हैं, जो तमाम जो राष्ट्रभक्त युवा हैं, देशभक्त युवा हैं, वो इस बाइक रैली में नजर आए हैं। तो सबसे पहले संजय भाई, आपसे ही प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव पर? सबसे पहले मैं सभी शहीदों के सम्मान में, उनके चरणों में नमन करते हुए आज़ादी के इस पावन पर्व पर आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आज़ादी का यह पर्व कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत व देश की एकता में अखंडता को मजबूत करने का कार्य करें। स्वतंत्रता दिवस के 75वें समारोह के अवसर पर मैं सभी जाति क्षेत्र के लोगों को अपील करता हूँ कि हम सब तिरंगे की आन बान शान के लिए, 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान के लिए हमेशा देश के हित में कार्य करेंगे। जाति धर्म क्षेत्र के बंधन से ऊपर उठकर भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कार्य करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय विपिन राणा जी का, जिन्होंने आज तिरंगा रैली में आकर इतने लोगों का उत्सव बढ़ाया है और मान बढ़ाया है देश का, देश की जनता का, और लोगों से अपील करता हूं कि शांति से इस दिन को शांति से मनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी क्या कहेंगे, बड़ी ऐतिहासिक रैली थी, युवाओं में देशभक्ति का जोश आपने देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे? ये रैली अपने आप में ऐतिहासिक है। नजफगढ़ विधानसभा के अंदर जो संजय भाऊ ने ये प्रोग्राम किया, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और चार पंक्तियों में मैं अपने इस देश की सारी जनता के भाव आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि ए वतन तेरी कसम कुर्बान हो जाएंगे हम, तेरे खातिर मौत से भी जाके टकराएंगे हम, हम शिवा के लाडले, हम शिवा के लाडले बंदा बहादुर के सपूत, जालिमों से हम लड़े इतिहास है जिंदा सबूत। अगर आगे भी हमें अपने देश के खातिर मरने का, लड़ने का या मारने का मौका मिलेगा तो दुश्मन को आज हम ललकारते हैं कि उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे हमारे पूर्वजों ने अपने त्याग और बलिदान से देश को आज़ाद करवाया, अगर आगे भी हमें किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मेरे दुश्मनों को भी आज एक संदेश है कि इस भारत माता की जो तपोभूमि और पावन भूमि है उससे अपनी नज़रों को दूर रखें। यहाँ पर एक एक जो युवा है, वो भगत सिंह है, वो सुखदेव है, राजगुरु है, और ना जाने कितने ऐसे असंख्य हीरो थे हमारे। ये चंद नाम तो अमर हो गए, लेकिन बहुत सारे लाखों की संख्या में ऐसे युवा थे जो गुमनामी का चेहरा ओढ़ गए, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान भी दिया और उनका आज नाम भी नहीं है। उन सबको भी हम आज इस मौके पर नमन करते हैं। दोस्तों, नजफगढ़ में आज ऐतिहासिक तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया था और इस समय हम नजफगढ़ के सबसे पवित्र स्थल, जी हाँ दोस्तों, शिरडी साईं बाबा मंदिर के प्रांगण में हम मौजूद हैं, जहाँ इस देश, समाज और इस पूरी संस्था को गतिमान प्रदान करने वाले गुप्ता जी हमारे साथ हैं। उनकी पूरी टीम आपको यहाँ पर नजर आ रही है, जो विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में भाईचारे और एकता का संदेश देते हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं। आइए इनसे जान लेते हैं, आज नजफगढ़ में स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए संजय बाहू के नेतृत्व में एक विशालकाय तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसका समापन आज यहाँ शिरडी साईं मंदिर में किया गया है, क्या कहेंगे? स्वतंत्रता दिवस का कभी भी समापन नहीं होगा, चाहे ये यात्रा जो आज संजय बाहू के नेतृत्व में निकली है, ये इसका समापन ये शिरडी साईं बाबा मंदिर में हुआ है, जिसके संजय बाहू जनरल सेक्रेटरी हैं, और इन्हीं की देखरेख में, इन्हीं की सरपरस्ती में यहाँ पर बहुत काम हुए हैं, बहुत सोशल काम हुए हैं, जनहित के लिए काम हुए हैं, भक्तों के लिए काम हुए हैं, और जितने भी देवी देवता यहाँ पर पधारे हुए हैं,
जितने भी यहाँ पर उनके चरण पड़े हुए हैं उन सबकी सेवा बड़े ही दिल से बड़े ही अच्छी तरह से ये करते हैं और मैं उम्मीद करता रहूँ कि करता ये आगे भी करते रहेंगे और हमारी टीम भी आगे करती रहेगी। मेरे भाई बहनों, ये स्वतंत्रता दिवस जो 14 अगस्त 1947 से पहले जो भी हमारे पूर्वज शहीद हुए जिनकी के वजह से हमें ये आज़ादी मिली उनका शहीदी दिवस भी है और उसके बाद में जो शहीद हुए अपनी हमारी रक्षा करने के लिए उनका स्वतंत्र उनका शहीदी दिवस एक दिन और मनाया जाता है और हम उस दिन भी इसी तरह से संजय भाऊ के नेतृत्व में जो है यहाँ पर एक प्रोसेशन निकालेंगे उनकी यादगार में। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख पा रहे हैं तमाम जो वरिष्ठ सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। जी जी, क्या कहेंगे, आज आज़ादी का महापर्व है और एक बेहतरीन बाइक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया संजय भाऊ के नेतृत्व में। सबसे प्रथम तो मैं शिरडी साई प्रचार समिति के सभी सदस्यों का हृदय स्वागत करता हूं कि इन्होंने इतनी सुंदर यात्रा आज निकाली है। आज हम सभी देश के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, विश्वव्यापी तिरंगा। तिरंगा हमारी शान है, हमारी जान है। हमारा देश इसलिए महान है कि हम किसी मजहब से हों, किसी धर्म से हों, किसी परंपरा से हों, हमारे विचार किसी भी से मिलते हों ना मिलते हों, लेकिन तिरंगे के लिए हम सब एक हैं। इसी का संदेश आज हमारे भाई संजय जी ने यात्रा निकाल के दिया। सर्वधर्म के लोग, छत्तीस बिरादरी के लोग इसके अंदर शामिल थे। पहले तो मैं सबसे बड़ी कृतज्ञता के साथ उन सभी वीरों के चरणों में नमन करता हूँ जिन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। उन वीरों को नमन करता हूँ, उन माताओं को नमन करता हूँ जिन्होंने हंसते हंसते अपने बच्चों को फांसी पर लटका दिया, लेकिन वो हंसते रहे। आज ये दिन हमारे जीवन में कभी भूलने वाला नहीं है। आज हम इस मंदिर के अंदर कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये दिन हमें क्यों मिला है? क्योंकि इसके लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। जिनके लिए ना दिवाली होती है, ना जिनके लिए होली होती है, सरहद पर खड़े हुए सिर्फ वो हमारी चिंता करते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, लेकिन हम सुरक्षित रहें, हम ठीक रहें, बस इसी का वो पालन करते हैं। लेकिन आज के इस महोत्सव पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, उन सैनिकों के प्रति, उन वीरों के प्रति, देश के उन महान सपूतों के प्रति हमारा एक कर्तव्य बनता है। जब भी हम किसी सैनिक को देखें हम उसे नमस्कार करें, अपनी भावनाएँ उसके लिए प्रकट करें। हम कुछ नहीं करते, हम अपना हम लोगों से उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि लोग हमारे लिए करें, हम उनके लिए कुछ नहीं करते। हम चलते हुए किसी आदमी के लिए सीट भी नहीं छोड़ते, सैनिक हैं। लेकिन आज मैं इस मंदिर में खड़ा होकर हम संकल्प लेते हैं, सारी साई प्रचार समिति संकल्प लेती है उन सैनिकों के लिए जो सैनिकों ने देश के लिए अपने जीवन का कुर्बान किया है या जो आज भी सरहद पर खड़े होकर अपने आप को नछावर कर रहे हैं, उनके लिए हम एक संकल्प लेते हैं कि कोई सैनिक कहीं पर भी रहता होगा, हमारी कॉलोनी में, हमारे पड़ोस में कोई सैनिक रहता होगा, जिम्मेवारी हमारी बनती है हम उसके घर जाके पूछें कि माता जी, कोई आपको दिक्कत तो नहीं है, कोई आपको तकलीफ तो नहीं है? किसी का बच्चा अगर यहाँ पढ़ता है, उसके पिता सरहद पर हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य बनता है हम उसका ध्यान रखें। और आज इस मौके पर, आज स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाएंगे, गंदगी से मुक्त बनाएंगे, भारत को स्वच्छ बनाएंगे। प्रधानमंत्री के इस आह्वान को कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को आगे बढ़ाएंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं संजय जी का, हमारे भाई सुशील मित्तल जी जो एपीएमसी के इलेक्टेड मेंबर हैं, हमारे भाई कृष्ण कालड़ा जी जो मार्केट से चेयरमैन हैं, हमारे भाई अशोक महेंद्रता जी जो श्री कृष्ण मंदिर सभा के माननीय प्रधान हैं, और हमारे डॉक्टर साहब जी, जितने तमाम विपिन राणा जी हमारे बीच, आम आदमी पार्टी से हमारे बीच में हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं। और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस मौके पर हम सब चीज़ें भूल के बस एक तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी शान है, इसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। भारत एक है, एक रहेगा, एक रहेंगे। जय भारत। बहुत बढ़िया। और देखिए, पूरे जोश के साथ आज इन्होंने भारत की एकता का आह्वान किया है। श्री शिरडी साईं बाबा समिति पूरी तरह से यहाँ मौजूद है और अन्य जो सामाजिक संगठनों के लोग हैं, तमाम जो व्यापारी संगठनों के लोग हैं, आम आदमी हैं, तमाम यहाँ पर एक छत के नीचे आपको नजर आया है। इस तिरंगा यात्रा ने नजफगढ़ में एक संदेश दिया है, खास तौर से दिल्ली वासियों को एक संदेश दिया गया है। हम सब जाति, धर्म, क्षेत्र, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार, अभी अभी वक्ता कह रहे थे कि इन सब से ऊपर उठकर हम सबसे पहले भारतीय बने, हम सबसे पहले
पहले देश के श्रेष्ठ नागरिक बने, ऐसा आज संजय भाऊ ने अपनी इस यात्रा से आज संदेश दिया है। तमाम उस भारत की भावी पीढ़ी को एक संदेश दिया गया है कि राष्ट्र प्रथम, हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद हमारे सभी कर्तव्य शुरू होते हैं। तो बड़ी अच्छी यात्रा मैं कहूँगा संजय भाई, एक छोटा सा संदेश आपकी तरफ से भी चाहेंगे, तमाम जिन जो भी लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं, जितने भी क्षेत्र के गणमान्य लोग हैं, आपका कंधे से कंधा मिला करके साथ देते नजर आए हैं। मैं अपने सारे नजोड़ वासियों का और गन्नेवते प्रधान जी, अपने विजय कुंभर जी, मित्तल जी, विपिन राणा जी, सब लोग आए हुए हैं, सब लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आजादी मना रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि सब भाईचारा एक साथ मिलकर सब रहें, और जो मोदी जी ने कहा है कि भाई स्वच्छ इंडिया, उसका पालन करें। और तिरंगा आज जो है साईबाबा मंदिर में भाई संजय गिरधर जी ने जो रैली निकाली है वो बड़ी खूबसूरत थी और बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा, और सभी को शुभकामनाएं। चलिए, और अंत में हम विपिन राणा जी से, युवा नेता हैं, युवा उनसे भी बातचीत करते हैं। बहुत अच्छा अवसर रहा, और तमाम आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था है। मित्तल साहब हैं, कालड़ा साहब हैं, गुप्ता जी हैं, तमाम जो हम 36 बिरादरी के लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोगों ने आज इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया है। बिल्कुल, देखो ये जो तिरंगा है ना, ये पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। सभी जातियों से, सभी धर्मों से, सभी विचारों से। अब आप यहाँ पर भी इस मंदिर परिसर में देखेंगे ना, तो आपको 15 विचारधाराओं के लोग मिलेंगे, लेकिन जब बात तिरंगे की आती है तो तिरंगे के नीचे वो सब एक हो जाते हैं। तो बस ये तिरंगे की एक पावर है, एक मातृभूमि के प्रति देश प्रेम की एक भावना है जो सबको एकजुट करती है। मैं तो ये कहता हूँ 15 अगस्त का पर्व साल में एक बार नहीं, कम से कम 10 बार मनाया जाए, ताकि 10 बार हम सब इकट्ठा हो सकें और इस पर्व को और धूमधाम से अच्छे से मना सकें। बहुत बढ़िया। देखिए, तिरंगे के बहाने से आज हम सब एक हुए हैं, तिरंगे के नीचे सभी जाति धर्मों क्षेत्र के लोग आए हैं, और ऐसा क्यों न हो, ऐसा साल के 365 दिन हो, हर मिनट हो, हर सेकंड हो, हर घंटे हो, ऐसी आज यहां से उम्मीद की गई है। जी क्या कहेंगे प्रधान जी? मेरे से पूर्व बहुत वक्ताओं ने बातें रखी हैं, मैं अपने अगर मनोभावों को प्रकट करूं तो अमर शहीदों के हम चारण, अमर शहीदों के हम चारण, उनका यश गाया करते हैं, जो कर्ज राष्ट्र का खाया है हम उसे चुकाया करते हैं। भारत माता की जय। जी जी, सबसे पहले तो सभी साथियों को वंदे मातरम। आज आज़ादी के 75वें उत्सव पे, अमृत उत्सव पे, मैं सबको, सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। और साथियों, आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन आज़ादी चाहिए हमें गंदगी से, आज़ादी चाहिए हमें करप्शन से। जब तक हमारे देश में सभी लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब तक स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं ठीक होगी, तब तक हम पूर्ण तरह से आज़ाद नहीं। तो इसके लिए देश को स्वच्छ बनाएं और निरंतर सबसे प्यार संबंध बना के रखें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बढ़िया। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये जो हमारा आज इवेंट है अमृत महोत्सव 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में, इससे इस ऐसे इवेंट से सभी छोटे छोटे बच्चों में, बड़ों में, जवानों में एक भक्ति, देशभक्ति की भावना जागृत होती है। और संजय भाऊ ने जिस मन भाव से ये रैली निकाली है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। नंदन भाई क्या कहेंगे, आज बहुत अच्छी यात्रा निकाली गई है। संजय भाऊ समाज सेवी आदमी हैं, और जो आज उन्होंने जो 75वीं वर्षगांठ के ऊपर हमारी आज़ादी के लिए जो साइकिल यात्रा निकाली, मोटरसाइकिल यात्रा निकालेगी, बहुत अच्छा दिन था, सभी ने साथ मिलकर सहयोग किया। और मैं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद।